चलो बाबू सब लोग क्लास से जुड़ जाओ। सबके पास आवाज पहुंच रहा है? सबके पास आवाज पहुंच रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो। एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए सबके पास आवाज पहुंच रहा है तो। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग अब आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। सब लोग अब अच्छे से सीखिए क्लास को। देखो ध्यान दो, पिछले क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक क्या था? तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब, यही था ना? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मॉडल एक्जुलरी वर्ब पढ़ रहे थे। अब देखिए उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसमें और आगे हम लोग को क्या सीखना है। पिछले क्लास में हम लोग मे और माइट जो मॉडल वर्ब है उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज का जो हम लोग का क्लास होगा इसमें हम लोग उससे आगे अपने क्लास को कंडक्ट करेंगे और आज के क्लास में हम लोग शैल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए सब लोग, यूज ऑफ शैल। हेडिंग दे दीजिए सब लोग, यूज ऑफ शैल, ठीक है? देखो बाबू इसके बारे में एक रूल तो एटलीस्ट सबको याद होगा, एक या दो रूल। जैसे पहला रूल जो है इसमें जो हम लोग देखें तो ध्यान से समझिएगा, जो इसमें रूल फर्स्ट है तो वो सबको पता होगा कि जब भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब जो है लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि जो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, समझ गया ना? तो जो भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे शैल का यूज करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, जिसके साथ हम लोग यहाँ पर मतलब आपका शैल का प्रयोग करते हैं। तो देखो शैल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, ठीक ना? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में शैल का प्रयोग हम लोग आई और वी जो सब्जेक्ट है, आई और वी। आई क्या है? तो आई आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट कौन है? आई है। और वी की बात करें तो ये भी क्या है? ये भी फर्स्ट पर्सन का ही है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो देखो सेल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आई और वी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट मतलब किस किस पर्सन में रखे गए? तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है। आई आपका फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, समझ गया ना? अब देखो इसमें वाक्य को बनाना सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है ये नॉर्मली देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पर सेल, और यहाँ पर ध्यान दो सब्जेक्ट मत लिखो, डायरेक्ट आई लिखोगे और वी सब्जेक्ट की जगह पे क्या रहेगा, या तो आई ना तो वी, ठीक ना? इसके बाद में आपका हो जाएगा क्या, सेल प्लस में वर्ब वन प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड, ठीक ना? तो जब भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा तो और उसमें जो आपका सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग उसके साथ क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, देखो जैसे मान, किसी को कोई दिक्कत है क्या जी क्लास में? वीडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? कमेंट कर रहे हो, वीडियो वीडियो क्लियर नहीं है किसी के पास है? वीडियो सबके पास क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक सेंटेंस दिया कि मैं पहला
जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा। देखो बाबू, आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं कि जो भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता, सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है, तो उसके क्रिया के लास्ट में क्या जुड़ा रहता है, तो गा या गे या फिर गी जुड़ा होता है। तो लास्ट में क्या जुड़ा है, यानी कि कौन में है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में है। और देखो, इसको बनाना होगा तो क्या करोगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है ना। ठीक, जब भी आपका सब्जेक्ट मैं रहे या फिर हम रहे या फिर हम लोग रहे, समझ गए ना, उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, सेल का प्रयोग कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। आपको हमेशा मैं और हम लोग या हम सब्जेक्ट रहेगा जब सेंटेंस में, तब तो जगह क्या कीजिएगा, सेल का प्रयोग कीजिएगा, ना तो फिर नहीं करना, समझ गए ना। तो आई हो गया, और आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, आई सेल यहाँ पर क्या हो गया, गो टू पटना। देखो, आई सेल गो टू पटना, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लगा है, आई सेल लगा है। तो हम क्या बोले हैं कि जब भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा, तो उसमें अगर सब्जेक्ट आई है या फिर वी है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप लोग सेल का प्रयोग कीजिएगा। एगो वी वाला भी मतलब देखते हैं। चलो देखो, एगो सेंटेंस हो गया, अगला सेंटेंस है उसको देखिए। अगला सेंटेंस मान के चलो हम दे दिए कि मैं उसको पीटूंगा, मैं उसको पीटूंगा। थोड़ा सा इसको जल्दी से बनाइए, मैं उसको पीटूंगा। इस सेंटेंस को बनाओ बाबू, कैसे बनाओगे, मैं उसको पीटूंगा, कमेंट करके बताइए इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा आप लोग। आई शैल बीट हिम, आई शैल बीट हिम, वेरी गुड साक्षी कुमारी, साक्षी पटेल, आपका बहुत बढ़िया आंसर है। और खुशी कुमारी, आपका भी ठीक है, लेकिन आप में जो एक अनुवांशिक रोग जो है, वो हमको लग रहा है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको हम कितना बार समझाए हैं कि कम से कम पंक्चुएशन का यूज किया करिए। अरे तुम्हें हमेशा समझा रहे हैं कि फुल स्टॉप सेंटेंस के लास्ट में दिया करो, तू काहे भुला जाती है, हैं? याददाश्त तो इतना कमजोर है, बोलो। और अंशु कुमार, आपको सैल एकदम बोर्ड पे, तुम्हारे आंख में शायद हमको लग रहा है कि कोनो प्रकार के दृष्टि दोष हो गया है। तोरा के पता है ना कि सैल में SHALL होता है, तो तू SAL लिख रहा है क्या, हैं? उसको ध्यान से देख करके लिखा करो। बाकी लोग कहाँ आ गए, बाकी सब गायब हो गया क्या, अन्य लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी सब कहाँ गए जी, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करोगे तो हटा देंगे हम, ब्लॉक कर देंगे। जिसका भी माइक ऑन है वो अपना ऑफ कर लो। चलो वेरी गुड, अब जो है हम लोग अपने क्लास को और आगे लेके चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये इतना समझ में आ गया होगा ना सबको, इतना चीज सबको समझ में आ गया ना बाबू, बोलो, इतना चीज सबको समझ में आ गया है, कमेंट करके बताओ जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए देखो बाबू, ये तो हम लोग सीखे कि जब भी आपके फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के मतलब वाक्य में अगर आपका सब्जेक्ट आई है या फिर वी है, तो आप यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाइएगा, तो सेल का प्रयोग कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आई और वी नहीं रहेगा, तो उस समय क्या करते हैं, तो उस समय हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। मैंने जो भी आपका मतलब सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हम लोग विल लगाते हैं। खैर अभी हम लोग जो आपका अगला रूल है उसको देखते हैं, उसके बाद उस पर भी हम आएंगे। देखो रूल सेकंड जो है वो ये कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस लेट अस या फिर लेट्स से स्टार्ट हो। देखो जब भी आपका कोई भी सेंटेंस, जब भी आपका सेंटेंस लेट प्लस अस यानी कि लेट अस या फिर लेट्स से स्टार्ट हो,
तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो, देखो अगर आपका सेंटेंस, दो कंडीशन है, अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, लेट प्लस अस से स्टार्ट हो, और उस सेंटेंस का क्या बनाना हो, क्वेश्चन टैग, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप लोग सेल का प्रयोग कीजिएगा, समझ गया ना। अगर किसी सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस आपका लेट प्लस अस से स्टार्ट हो या फिर लेट्स से स्टार्ट हो और उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, सेल का प्रयोग कीजिएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप देखो, लेट्स या फिर लेट अस गो, लेट अस गो, अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो तुम कैसे बनाते हो, सेल वी, यही ना होता है जिसका क्वेश्चन टैग है। जब भी आपका मतलब यहां पर लेट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, माने लेट अस या फिर लेट्स से स्टार्ट होगा, तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तुम क्या करोगे, सेल का प्रयोग करोगे। ये तो हम आपको जब क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे। एक और सेंटेंस देखो, लेट्स लेट्स डू दिस वर्क, है ना, इसका भी अगर बनाना होगा तो क्या लगाओगे, सेल वी, समझ गया ना। तो जब भी आपका, इसको याद रखिएगा कि जब भी आपका कोई सेंटेंस, जबकि जब भी आपका कोई सेंटेंस सेल लेट प्लस अस से स्टार्ट हो, लेट प्लस अस से स्टार्ट हो और उस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा मतलब सेल। अच्छा बिहारी बाबू आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे रही, अच्छा तो क्वेश्चन एक हम खुद कराएंगे, तो टेंशन मत लो, पहले रूल पूरा याद रखो। जैसे देखो उसमें तुम्हारा जो है, जैसे मान के चलो यही सेंटेंस है, यहाँ पर दे दिया तुमको खाली स्थान देगा, जैसे दे दिया लेट, ठीक ना, लेट अस दे दिया, सेंटेंस को देखो लेट अस और यहाँ पर दे दिया कि लेट अस स्टडी, ऐसे दे दिया कॉमा दे दिया, यहाँ पर खाली स्थान और यहाँ पर दे दिया वी और क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अब यहां से अगर इस तरह से यहाँ पे कॉमा देने के बाद में अगर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो यहाँ पे तुम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, बोलो यहाँ पे तुम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, सेल का प्रयोग कीजिएगा। जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन टैग रहे, अगर लेट से स्टार्ट हो, लेट अस से स्टार्ट हो या फिर लेट्स से स्टार्ट हो, लेट प्लस अस या फिर लेट्स, यही दुगो, लेट प्लस हिम, लेट मी, ऐसे रहेगा तो फिर नहीं होगा, खाली लेट प्लस अस रहे या फिर लेट्स रहे, अगर इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेल प्लस वी का प्रयोग कीजिएगा, समझ गया ना। बोलो इतना समझ में आ गया ना सबको, कमेंट फास्ट, इतना सबको समझ में आ गया ना, बोलो बोलो जल्दी से बाबू, इतना सबको समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्लास को लेके चलते हैं, आज तो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया, देखो आगे देखते हैं। देखो अगला जो रूल है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जब भी मतलब सजेशन का बोध होगा, ठीक ना, जब भी सजेशन का बोध होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, रूल 3 जो है वो ये कहता है कि अगर सजेशन का बोध हो, अगर सजेशन का बोध हो तो उस कंडीशन में, सजेशन का अगर बोध होगा तो उस कंडीशन में आप किसका यूज, प्रीति कुमारी, यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है बाबू। अब देखो अगर सजेशन का, किसी सेंटेंस से अगर आपको सजेशन का बोध होगा, तो उस कंडीशन में, मतलब फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, और फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है और उससे अगर सजेशन का बोध हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, सेल का प्रयोग कीजिएगा, बशर्ते कि उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन में होना चाहिए, ठीक ना। तो देखो
जैसे उदाहरण स्वरूप मान के चलो कि हम यहां से एक मतलब क्वेश्चन दिए कि क्या हम लोग आगरा जाने के लिए टैक्सी लेंगे। चलो देखो, क्या हम लोग आगरा जाने के लिए टैक्सी लेंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे मान के चलो कि दो चार को दोस्त जा रहे हो, ठीक है ना, आगरा घूमने के लिए। तो आगरा तुम मान के चलो कि आगरा से कुछ इधर ही मान के चलो कि तुम उतर गए, ठीक ना। तो वहां पे मान के चलिए कि उतर गए, तो आपके दोस्त में से किसी ने पूछा कि बताओ कि क्या हम लोग आगरा जाने के लिए टैक्सी लेंगे। तो बताओ इसमें क्या होगा, तुमसे सजेशन ले रहा है ना कि बताओ भाई तू लोग क्या माने सुझाव दे रहे हो कि हम लोग आगरा जाने के लिए टैक्सी ले कि नहीं ले। यही ना हुआ, वो आपसे सजेशन ले रहा है, ठीक ना। तो जब भी सजेशन लेने की बारी आएगी, जब भी आप माने सुझाव का बात आएगा, तो उस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप शैल का प्रयोग कीजिएगा। देखो इसको बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वही शैल प्लस में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका हो जाएगा वर्ब वन प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इस सेंटेंस को बनाना होगा तो आप कैसे बनाइएगा, पहले पहले क्या लगाना है जी, शैल, शैल के बाद में क्या कर रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तो हम लोग क्या हो जाएगा वी, शैल वी क्या कर रहा है कि लेंगे। तो लेंगे का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग टेक यूज करते हैं इसके लिए वर्ब। तो क्या होता है, शैल वी टेक अ टैक्सी, टेक ए टैक्सी टू गो टू आगरा, ठीक है ना। Shall we take a taxi to go to आगरा, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो है यहाँ पर, अच्छा shall we go to आगरा for taxi। अरे नलायक, ये कॉर्नर डिजाइन से बनाया है रे, हैं बकलोल है एकदम, ये कैसे बनाया, shall we go to आगरा, पहले आगरा पहुंच जा रहे हो तब जाकर फॉर टैक्सी, टैक्सी के लिए आगरा तुम जा रहे हो, हैं टैक्सी के लिए आगरा जा रहे हो। चलो देखो आगे एक और सेंटेंस दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइए। क्या हम लोग कोविड-19 नियंत्रण के बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चलो बाबू क्या हम लोग, अच्छा सर गो से पहले फॉर का यूज कर सकते हैं। तो देखो गो से पहले साक्षी पटेल तुम फॉर का यूज कर सकती हो, लेकिन अगर फॉर का यूज करोगी तो वहां पे तुम गोइंग लगाओगी, गो नहीं लगाओगी, समझ गई ना। अगर टू लगाओगी तो गो का यूज करोगी, और अगर तुम फॉर लगाओगी तो उस कंडीशन में क्या करोगी, गोइंग का यूज करोगी, समझ गई ना। चलो इतना अगर सबको समझ में आ गया है तो अब ये वाला जो सेंटेंस हम यहाँ पर दिए हैं उसको बना के बताइए, ये वाला सेंटेंस बनाकर बताओ बाबू कैसे बनाओगे। क्या हम लोग कोविड-19 नियंत्रण के बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अरे तो तू करबे कि ना करबे ओकरा से हमरा थोड़े मतलब है रे, तू सेंटेंसवा बनाओ, तोरा से हम नहीं पूछ रहे हैं, सेंटेंस बना के दो। नलायक कहे कि एको सेंटेंस बनाता नहीं है, बुझाता बुझाता ही नहीं किया, खाली उल्टा सीधा कमेंट करता है अंतर्यामी। जल्दी बनाओ सेंटेंस को, आंसर करो जल्दी। Shall we talk to CM about COVID-19? साक्षी कुमारी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर COVID-19 रेस्क्यू अगर लगा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा,
और आप भी हमको लग रहा है कि खुशी के मतलब नक्शे कदम पे चल रही हैं, आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाई है? हैं? क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? हम बाकी लोग कहाँ गए जी? आंसर करो जल्दी, सब लोग आंसर करो, सब लोग आंसर करो जल्दी से, नहीं तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बता दे रहे हैं। सब लोग जल्दी से आंसर कीजिए, क्या मतलब कोनो दिक्कत है बनाने में? बहुत इजी सेंटेंस है, तू लोग एकदम कूद हो इसीलिए नहीं बना पा रहे हो, देखो कैसे होगा। यहाँ पर देखिए क्या कराएगा, पहले पहले तो मार दो सेल, सेल के बाद में हम लोग हैं तो लगा दो भी, सेल भी हो गया ना। क्या कर रहा है कि भार्व लगाना है, तो भार्व कौची है? भार्व इसमें है कि बात करेंगे, बात करेंगे तो बात करना क्या है यहाँ पर भार्व है, तो उसके लिए क्या लगाओगे? टॉक, बात करने के लिए क्या लगाओगे? टॉक, टॉक के बाद में यहाँ पर ध्यान दो, टॉक के बाद में क्या है, तो मतलब यहाँ पर देखिए टॉक टू माने किसका से बात करेगा बात, तो मुख्यमंत्री से ना, तो टॉक टू द, टॉक टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अबाउट अबाउट कोविड, कोविड 19 रेस्क्यू, रेस्क्यू समझ गया ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से आपको बनाना है, समझ गया ना। अब से बताइए सर रूल, कौना के रूल हो बोला, कौना के रूल बताइए, ये वाला? अरे नलायक की तो बहुत इजी है रे, एकरा में क्या है सेंटेंस से क्या झलक रहा है सुझाव। और जैसे मान के चलो हम कहे, जैसे मान के चलो कि तोरे कोनो मित्र है तुमसे पूछा कि आज पढ़ने चलेंगे, ठीक ना, आज हम लोग पढ़ने चलेंगे, तो इससे क्या हुआ, वो तुमसे सुझाव मांग रहा है कि पढ़ने चलेंगे, समझ गया ना। तो जब भी सुझाव की बात आएगी तो सुझाव के लिए तुम क्या लगाओगे यहाँ पे, तो सुझाव के लिए तुम यहाँ पर मतलब सेल का प्रयोग करोगे, समझ गया ना। ये दोनों सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है, सुझाव का, कि क्या हम लोग आगरा जाने के लिए टैक्सी लेंगे, तो सुझाव मांग रहा है कि टैक्सी लेंगे कि नहीं। इसमें जो है क्या हम लोग कोविड-19 के नियंत्रण के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो इसमें भी क्या हुआ, सुझाव मांग रहा है, समझ गया ना। तो सुझाव जब भी मांगने की बात आएगी तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप यहाँ पर सेल का प्रयोग कीजिएगा, समझ गया ना। चलो हो गया ना, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू आगे बढ़ा जाए, अब जो है अगला रूल आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगला रूल क्या कह रहा है देखो, ध्यान से तू लोग थोड़ा सा समझो। अगला जो रूल है वो ये कह रहा है कि सेल जो है, रूल 4 जो है वो ये कह रहा है कि सेल जो है, तो सेल का प्रयोग हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी कर सकते हैं, किसके साथ, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी सेल का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते यहां पे ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस को कैसा बनाना होगा, जोरदार बनाना होगा, जोरदार बनाना होगा, मतलब अगर सेंटेंस से जोर देने की बात आएगी, दबाव डालने की बात आएगी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगाइएगा, सेल का प्रयोग कीजिएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे मान के चलो हम कहे कि, मान के चलो ना कि यहाँ पर ध्यान दो कि मान के चलो कह दिया सेंटेंस में कि वह जरूर तुमसे मिलेगा, ठीक ना, वह जरूर तुमसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो अगर कहे कि वह तुमसे मिलेगा तो ये क्या था, नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन हम कह दिए कि वह जरूर तुमसे मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया,
कि सेंटेंस में जोर देके बोला जा रहा है कि ना ना वो एकदम मिलबे करेगा तुमसे, समझ गया ना। तो जब भी किसी सेंटेंस में जोर, किसी सेंटेंस से जोर देने की बात आएगी, ठीक ना, और उस सेंटेंस में आपका जो मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन का रहेगा या फिर थर्ड पर्सन का रहेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप यहां पर मतलब शैल का प्रयोग कीजिएगा, समझ गए ना। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दो, यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है पर्सन में, तो सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, प्लस में शैल, प्लस में वर्ब वन, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, ठीक ना, ऐसा रहेगा। देखो जैसे एक सेंटेंस लिए हम, सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिए कि वह आज तुमसे तुमसे जरूर मिलेगा। हम सेंटेंस क्या दिए हैं कि वह आज तुमसे जरूर मिलेगा। इस सेंटेंस को अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, देखो ही, देखो ही, और ही कौन है पर्सन में, थर्ड पर्सन में, तो ही के साथ क्या लगा देगा वहां पे, जो जरूर आ गया है या फिर अवश्य आ गया। देखो जब सेंटेंस में जरूर आ जाए या फिर अवश्य आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस जो है वो जोरदार है। तो ही शैल मीट यू टुडे, ही शैल मीट यू टुडे, इसका आंसर क्या होगा, ही शैल मीट यू टुडे। चलो एक और सेंटेंस देते हैं, इसको तुम लोग बनाओ, एक और सेंटेंस दे रहे हैं, इसको बनाइए आप लोग। जैसे मान के चलो कि हम यहां पर दे दिए कि तुम अवश्य वहां जाओगे, तुम अवश्य वहां जाओगे, सेंटेंस क्या है कि तुम अवश्य वहां जाओगे, ठीक ना। इस सेंटेंस को बनाइए जल्दी से, तुम अवश्य वहां जाओगे, इस सेंटेंस को जल्दी से बना के कमेंट करो। You shall go there, you shall go there, you shall go there. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम परफेक्ट है। कितना जल्दी सीख गए जी, बड़ी तेज हो गए वो। चलो बहुत बढ़िया, You shall go there, you shall go there, you shall go there, you shall go there. अरे प्रतिमा कुमारी, तेरा आज इतना बुद्धि आया रे, तू कहीं से आंसर ही नहीं करती है रे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। प्रीति कुमारी, अंशु कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया आप लोग का आंसर देख करके। चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग अगला रूल जो है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो बाबू यहां पर थोड़ा सा समझो, ये तो आपका रहा कि जब हम लोग को यहाँ पे जोरदार बनाना होगा सेंटेंस को तब जाके, तो जोरदार बनाना, जोरदार सेंटेंस है कि नहीं है ये हमको कहाँ से पता चल जाएगा। अगर सेंटेंस में अवश्य लगा रहे, अगर सेंटेंस में जरूर लगा रहे, तो उसे हम क्या पता कर लेंगे कि सेंटेंस जो है वो जोरदार वाक्य है, माने जोरदार सूचक वाक्य है, उसमें जोर डाल के बोला जा रहा है, समझ गए ना। लेकिन अगर मान के चलो कि कुछ सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें कि मतलब कुछ सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसमें कि मतलब अवश्य या फिर जो है अवश्य या फिर मतलब ये कहिए कि जरूर शब्द उसमें नहीं रहेगा, और उस सेंटेंस में भी जो आपका सेकेंड और थर्ड पर्सन है, तो वैसे सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, तो वो कब होता है उसको अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए अगला जो रूल है, रूल फाइव जो है वो ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है, देखो अगर आपका सब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट यहां पर मतलब फर्स्ट सॉरी सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या फिर थर्ड पर्सन में है, अगर आपका सेंटेंस सेकेंड पर्सन में है या फिर थर्ड पर्सन में है, और साथ ही साथ इस सेंटेंस में एक चीज और ध्यान देना, अगर आपका सेंटेंस सेकेंड पर्सन में है या फिर थर्ड पर्सन है, और इस सेंटेंस ऑर्डर
ऑर्डर या फिर कमांड का बोध हो। देखो अगर आपका सेंटेंस में, देखो अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो या फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, और उस सेंटेंस से अगर ऑर्डर देने का बोध हो या फिर कमांड देने का बोध हो, दोनों का मतलब आदेश होता है। कमांड मतलब सेना उना में जो कमांड दिया जाता है, सेना उना को जो आदेश दिया जाता है उसको हम लोग कमांड कहते हैं, और जो बाकी नॉर्मल तुमको जो तुम्हारे मम्मी पापा आदेश देते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर और कमांड समझ में आ गया होगा। अब देखो तो अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट या फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो और उस सेंटेंस से अगर ऑर्डर या कमांड का बोध हो, तो उस कंडीशन में उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलो हम यहां पर दे दिए कि वह बाहर बैठे, वह दरवाजे से बाहर बैठेगा, और थोड़ा सा बारीक बना दिए, वह दरवाजे से बाहर बैठेगा, वह दरवाजे से बाहर बैठेगा। इस सेंटेंस को अगर अगर बनाना होगा तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, सेकेंड या फिर थर्ड, प्लस थर्ड पर्सन, प्लस में सेल, प्लस में वर्ब वन, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड रहेगा। समझ गया ना, इस स्ट्रक्चर पे बनाओगे। इसको कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लग गया, सेल। देखो वह दरवाजे से बाहर बैठेगा, हम मैंने आदेश दे रहा है ना, कि हम आदेश दे रहे हैं कि चलो भागो यहां से और दरवाजे के बाहर बैठ जाओ, तो दरवाजे से बाहर बैठेगा हम आदेश दिए, इसका मतलब क्या कि उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो ही सेल सीट आउट आउट ऑफ द डोर। देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, ही सेल सीट आउट ऑफ द डोर, क्योंकि ये सेंटेंस में किस चीज का भाव व्यक्त हो रहा है, आदेश देने का भाव व्यक्त हो रहा है। समझ गए ना। अब देखो एक और सेंटेंस दिए हम कि तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा। चलो एक सेंटेंस है कि तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा। इस सेंटेंस को थोड़ा जल्दी से बना दो, इस सेंटेंस को बाबू जल्दी से बना दो, तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा, थोड़ा जल्दी से बनाइए इसको। सेंटेंस को बनाओ, जल्दी से आंसर करो, आंसर करो बच्चा। क्या हुआ, आंसर बहुत लेट हो रहा है जी, और दिक्कत है। हाँ कमेंट फास्ट, आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए, उसके बाद में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बिहारी बाबू लिख रहे हैं कि यू शैल डू इफ आई से। देखो बाबू ऐसे थोड़ा सा इसको ध्यान से बनाया करो, गलती है सेंटेंस, बनाइए जल्दी से। और लोग आंसर करो जल्दी बाबू, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम।
यू शैल डू व्हेन आई से। देखो ध्यान से समझो इस सेंटेंस को, हमको लग रहा है कि नहीं बन पाएगा। देखो यहां पर अगर इसको बनाना हो तो जो मैं कहूंगा अगर रहेगा तो जो मैं कहूंगा के लिए सीधा सा होता है व्हाट आई से, ठीक ना? उसका क्या होता है व्हाट आई से, इफ नहीं लगाना है, व्हेन नहीं लगाना है। जो मैं कहूं इसके लिए क्या लगाओगे व्हाट आई से, तो इसको तुम कैसे बनाओगे? यू शैल डू व्हाट आई से, समझ गया ना? यू शैल डू व्हाट आई से, ठीक है? बहुत इजी सेंटेंस था, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए था। चलिए एक और सेंटेंस से ट्राई किया जाए, बोलो एक और सेंटेंस से ट्राई किया जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं, एक और सेंटेंस बनाओ। एक और सेंटेंस मान के चलिए यहां पर हम दे दिए आपको कि तुम लोग बिना देर किए उत्तर दोगे, उत्तर दोगे। चलो सेंटेंस क्या है कि तुम लोग बिना देर किए उत्तर दोगे। सेंटेंस बनाइए, तुम लोग बिना देर किए उत्तर दोगे। जल्दी से इसका आंसर करिए, आंसर करो बाबू, तुम लोग बिना देर किए उत्तर दोगे। बनाइए जल्दी से। आंसर करो जल्दी से, कमेंट फास्ट, बहुत इजी है, थोड़ा सा सिर्फ अगर ध्यान दिए होगे तो आराम से बना लोगे। कमेंट फास्ट बनाइए, आंसर कीजिए जल्दी से। क्या हुआ, कमेंट करो जल्दी। अरे यू विल बी आंसर बींग लेट, बात और गर्दा कर दे रहा हूँ वहां पे स्टूडेंट बॉय। और लोग कहाँ गए हैं? चलो देखो नहीं बन रहा है तो देखो बना रहे हैं। इसको अगर बनाना होगा तो सबसे पहले पहले देख लो, तुम लोग उत्तर दोगे, यही ना है जी? तो तुम लोग उत्तर दोगे मतलब यहाँ पे आया तो इसका मतलब जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यू सेल आंसर, सॉरी यू सेल आंसर, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, गिव आंसर नहीं होगा, यू सेल आंसर। जैसे आंसर मी का मतलब क्या होता है कि मुझे मतलब जो है जवाब दो, समझ गया ना? तो यू सेल आंसर, ये आंसर जो है वर्ब भी है, समझ गया ना? आंसर जो है ये एक वर्ब है, तो यू सेल आंसर, ठीक ना? और क्या कह रहा है कि बिना देर किए, तो बिना देर किए किए के लिए क्या हो जाएगा? विदाउट डिले, विदाउट डिले, समझ गया ना? यहां पर बींग लेट उट नहीं लगाना है जी, क्या हो जाएगा? यू सेल आंसर विदाउट, यू सेल आंसर विदाउट लेट, समझ गया ना? विदाउट यानी कि बिना देर किए, समझ गए? चलिए तो ये जो है ये आपका रूल, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब जो है इससे आगे हम आपको लेके चल रहे हैं, तो अच्छा गिव लागी तो गलती हो जाएगी, हाँ बिल्कुल गलती हो जाएगा, गिव नहीं होगा बाबू, आंसर खुद एक वर्ब है, समझ गया ना? तो उसके साथ एक गिव लगा के तुम क्यों मतलब उसको गड़बड़ करोगे, उसमें डायरेक्ट क्या होगा, खाली आंसर लगेगा, समझ गया ना? चलो देखो आगे देखते हैं, देखिए इसको मिटाना है। देखो अब जो है
इसमें थोड़ा सा एक और रूल बाकी है, उसको भी हम आज कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो आज आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कल हम लोग विल को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में शूट उट हो जाएगा। तो अब सुनो, एक और तुम लोग को हम एक सलाह लेना चाहते थे कि देखिए, जैसे कि आज शाम तक आपका जो है हम अपलोड कर देंगे, पूरा आपका तैयार हो चुका है, जो आपको हम बोले थे असाइनमेंट तैयार करने के लिए, जो आपको सेंटेंस बनाने के लिए देंगे हम, जो क्वेश्चन आंसर, तो आज शाम तक हम अपलोड कर देंगे ऐप पर, ठीक है, और उसका आंसर आपको करना है। अब देखो, जब आंसर कर दोगे तो परसों जो है, मतलब कल तक तो आंसर करोगे, तो कल ही हम सोच रहे हैं कि कल ही जो है शाम को लगभग 8 बजे से हम सोच रहे हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे लाइव, ठीक ना, लाइव आंसर आपको मिलेगा, जो मतलब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और देखिए, एक और नोटिफिकेशन है आप लोग के लिए कि कल से जो है, या फिर हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आज से ही स्टार्ट हो जाए, डेली आपको जो भी आपका प्रोज का पढ़ाई हो गया है ना बुक से, तो वहां से डेली आपको 10 से 15 प्रश्न जो है आपके ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है दिए जाएंगे, समझ गया ना। और उन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको आंसर करना है, ये टेस्ट जो है डेली होगा इंग्लिश का, और ये जो टेस्ट होगा ये आपका लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब 7 बजे से रख दे, बोलो 7 बजे से टेस्ट को रख दिया जाए, शाम को आंसर करो तुम लोग, क्या चाहते हो, शाम को 7 बजे से टेस्ट रख दिया जाए ना डेली, है। अंशु कुमार हाँ लिख रहे हैं, बाकी लोग, प्रतिमा कुमारी भी यस लिख रही है, खुशी हाँ। और एक और नोटिफिकेशन है कि जो बायोलॉजी वाले हैं, बायोलॉजी के लिए भी हम सोच रहे हैं ना कि, और आपका जो है हमको लग रहा है कि चैप्टर का टेस्ट नहीं, हाँ एगो चैप्टर का टेस्ट बाकी है ना, जो आपका वंशागति से रिलेटेड जो है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, तो उस चैप्टर का टेस्ट ले ले रहे हैं पहले हम, और उसके बाद में जो आपका मतलब ये वाला जो होगा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में भी डेली जितना पढ़ाई होगा, ठीक ना, डेली जितना पढ़ाई होगा उससे रिलेटेड आपको डेली 5-5 को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 5-5 को डेली, तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रत्येक दिन आपको ऐप पे दिया जाएगा, उसको आपको बनाना होगा। इसका टाइमिंग हम मतलब इंग्लिश के जस्ट बाद में रख दे रहे हैं, इंग्लिश के बाद मान के चलिए ना कि आपको इंग्लिश जो है अगर 10 या 15 क्वेश्चन रहेगा तो 20 मिनट इंग्लिश में लीजिए टाइम है, और उसके लिए 10 मिनट टाइम दे देंगे हम, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसके लिए तैयार होंगे, बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो आपका है उसको हम आज कंप्लीट करते हैं, एक और रूल रह गया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। चलो देखो बाबू, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझिएगा कि रूल 6 जो है वो ये कह रहा है, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। रूल 6 जो है वो ये कह रहा है कि जब भी आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, देखो बाबू, सेंटेंस अगर किस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका किसमें रहे, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आपका रहे, मान के चलो कि यहाँ पर ऐसे मान के चलिए कि ये रह गया आपका सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, अगर आपका सेंटेंस किसमें है, सेकेंड पर्सन में है या फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट उसमें है, समझ गया ना। और इस सेंटेंस से अगर प्रॉमिस का बोध हो, यानी कि वादा का बोध हो या फिर धमकी का बोध हो, ध्यान से समझो, अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड पर्सन में या फिर थर्ड पर्सन में है, और उस सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है, वादा करने का बोध हो रहा है या फिर धमकी देने का बोध हो रहा है, समझ गया ना। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में आप सेंटेंस में क्या कीजिएगा, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब, एक्जिलरी वर्ब के रूप में किसका यूज कीजिएगा, शैल का यूज कीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, शैल का यूज कीजिएगा। जैसे मान के चलो कि हम किसी से प्रॉमिस किए, ठीक है ना, मान के चलो कि हम किसी को मतलब प्रॉमिस किए कि तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, देखो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, तो देखो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, जब हम बोले तो ये क्या है,
हम उससे प्रॉमिस कर रहे हैं जी कि हम आपको मतलब जो है प्रॉमिस कर रहे, वादा कर रहे हैं कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये प्रॉमिस एक प्रकार के। तो अगर ऐसे सेंटेंस को अगर बनाना होगा तो आप कैसे बनाइएगा? वैसे इसको आंसर कर सकते हो कि नहीं तुम लोग अभी बिना बताए हुए? कोई बना दोगे इसको? अगर बना दोगे तो बताओ, बन जाएगा जी किसी से है? कोई ऐसा बच्चा है जो इसको बना सकता है? बोलो। हम समझ गए कौन नहीं बनाएगा। चलो देखो, यू सेल गेट ऑन रिवॉर्ड, रवि पटेल। बहुत दिन बाद एकदम दूज के चांद की तरह दिखे हो बाबू, और जब दिखो दिखे हो तभी तुम गलती बना दिए हो। चलो कोई बात नहीं है, इसको समझो तुम लोग। देखो पहला नंबर इसमें ध्यान देना होगा कि तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब कोई तुमको देगा, कोई तुमको पुरस्कार देगा। ये देखो, ये तुम्हारा जो सेंटेंस है ये एक्टिव में नहीं है बल्कि किसमें है? पैसिव में है, पैसिव फॉर्म में है कि मैंने इसको अवार्ड दिया जाएगा, कोई देगा, समझ गया ना? तो ये पैसिव फॉर्म में है और इसलिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझो। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस में आपका हो जाएगा सेल, ठीक ना? और सब्जेक्ट में ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो होगा आपका, सब्जेक्ट कौन-सा पर्सन में रहेगा, या तो सेकेंड में रहेगा ना तो थर्ड पर्सन में रहेगा, समझ गए ना? सेल प्लस में यहाँ पर ध्यान दो बी लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? बी, तब जाके वर्ब थ्री, बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में अदर वर्ड, समझ गया ना? ऐसे बनेगा। तो देखो इसको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? यू है तो यू का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? तुम है तो तुम्हें क्या हो जाएगा? यू। यू के बाद में क्या है जी? अच्छा सर कोरोना है क्या? सर नहीं कोरोना नहीं है, वो थोड़ा सा सूखी खांसी हो गया है, कोरोना नहीं हुआ है। तो देखो यू सेल, यू सेल बी, देखो बाबू यू सेल बी, यू सेल बी और क्या कर रहा है कि भर्ती लगाना है ना, तो पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखो पुरस्कार देना का मतलब होता है रिवार्डेड या फिर एवार्डेड। देखो अगर पुरस्कार देना का होगा तो उसको हम लोग या तो एवार्डेड लगाएंगे या फिर रिवार्डेड लगाएंगे, समझ गए ना? तो क्या होगा? एवार्डेड। तो यू शैल बी एवार्डेड, एवार्डेड या फिर इसी को तुम क्या लगा दोगे? रिवार्डेड लगा दोगे, समझ गए ना? तो यू शैल बी एवार्डेड या फिर रिवार्डेड इसका आंसर होगा, समझ गए ना? चलिए एक और हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक ना? एक और सेंटेंस दे रहे हैं कि यहां पर देखो, शांति से शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, ठीक ना? शांति बनाए रखो अन्यथा, शांति बनाए रखो अन्यथा, अन्यथा यहां से मान के चलो अन्यथा क्लास से हटा दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे। चलो बाबू इस सेंटेंस को कौन बनाएगा, आंसर करो। इस सेंटेंस को बनाइए, शांति बनाए रखें अन्यथा क्लास से हटा दिए जाओगे। जल्दी से आंसर करिए, कैसे बनाइएगा इसको? देखो एक चीज तुम लोग ध्यान दो, जो आपका ये हम सेंटेंस बना रहे हैं ना, इससे धीरे 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 आपका जो है स्पीकिंग स्किल भी ठीक ठाक हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो, अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर हमारा क्या लीजिएगा, अपना बिगाड़िएगा। चलो इसको बनाओ, बनाओ जल्दी से सब लोग। Keep quiet, otherwise you shall remove from class. बहुत बढ़िया, वेरी गुड साक्षी कुमारी। बाकी लोग कहाँ गए, गायब? ये धमकी दे रहे हैं बाबू, धमकी दे रहे हैं। ठीक है बिहारी बाबू, तुम सेंटेंस नहीं बना रहे हो ना, तुमको धमकी दे रहे हैं हम। बनाओ जल्दी से, तो सचो में हटा देंगे।
कीप क्वाइट अदरवाइज यू शैल बी रिमूव्ड होगा। साक्षी कुमारी यहाँ पे गलती थोड़ा सा की हो, यू शैल बी रिमूव्ड होगा, समझ गई ना। देखो ध्यान से क्या है, देखो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट ठीक ना, कीप क्वाइट इसका मतलब कि शांत रहो, कीप क्वाइट की जगह पे कीप साइलेंट भी रख सकते हो, कीप साइलेंट। अब देखो हम बोले थे ना कि अन्यथा के अर्थ में क्या लगाते हैं, अदरवाइज, तो क्या हो जाएगा आपका अदरवाइज। और देखो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास से हटा दिए जाओगे तो तुमको यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट नहीं, तो तुम है, तो क्या लगाओगे, यू शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास, समझ गया ना। चलो बाबू ये समझ में आ गया है ना, बोलिए, सबको समझ में आ गया है ना। सबको समझ में आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, और जिनका भी फी अभी मैंने ड्यूज है वो अपना क्लियर कर दो, नहीं तो धीरे धीरे आप सबको ऐप से हटा दिया जाएगा। कल हम कुछ बहुत सारे बच्चों को ऐप से हटा दिए हैं, और आप लोग को भी हटाया जा सकता है, तो इसलिए जो है आप लोग अपना पेमेंट जमा कर दीजिए। जो लेट से जुड़े हैं उनको लेट से हटाया जा रहा है, तो मतलब आप लोग 1 या 2 दिन के भीतर में अपना पेमेंट जमा कर दीजिए, या तो ऑनलाइन जमा कीजिए या फिर हमारे पास ले आकर के जमा कर दीजिए, हम उसको ऑनलाइन अपना पेड कर देंगे ऐप पर, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपको ऐप से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।